अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान बाबा भूतनाथ मंदिर में देश के अलग अलग स्वरूपों में बाबा भूतनाथ का मक्खन से श्रृंगार किया जाता है। इसी कड़ी में आज बाबा भूतनाथ का बटुक भैरव के रूप में श्रृंगार किया गया। देवानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू धर्म में बटुक भैरव की साधना अत्यंत ही कल्याणकारी मानी गई है, जिनकी उत्पत्ति भगवान शिव से मानी गई है। भगवान भैरव शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को बड़े से बड़े संकटों से निकाल लाते हैं। भगवान बटुक भैरव के साधक को जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि बटुक भैरव हर समय अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें स्वर्ग संपन्न बनाते हैं। सुबह से ही बाबा के स्वरूप को देखने के लिए भक्तों का तांता लगा है और लोग अपनी आस्था बाबा के समक्ष अर्पित कर रहे हैं। आज बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में बाबा भूतनाथ जी का श्रृंगार बटुक भैरव जी के स्वरूप में किया है, जो कि माता त्रिपुरा जी के भैरव जी हैं, जो त्रिपुर सुंदरी माता के भैरव बटुक भैरव हैं, तो उनके स्वरूप में श्रृंगार किया है, जो कि प्राचीन और अति प्राचीन, जिसका हमको स्वयं नहीं पता है कितने वर्षों का ये प्राचीन परंपराएं हैं। तो ये भैरव जी त्रिपुरा के अंदर एक बहुत विशाल जनमानस को अपने साथ जोड़ते हैं और भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से। बाकी प्राचीनतम हमारा सनातन बाबा भैरव बाबा को भगवान शंकर का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार आज बटुक भैरव मंदिर त्रिपुरा के स्वरूप में बाबा भूतनाथ जी का श्रृंगार किया है, जिससे सभी भक्तों को बटुक भैरव बाबा और बाबा भूतनाथ जी का आशीर्वाद सभी भक्तों को प्राप्त हो सके। और एक ऐसी भी कहानी बताई जाती है, महर्षि दधीची ने, उनके कोई संतान नहीं थे इस टाइम, भगवान शंकर का तपस्या किया उन्होंने और भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उनको वरदान स्वरूप पुत्र प्राप्ति हुई और उसका कुछ नामकरण हुआ। उसके बाद भगवान शंकर ने उसका नामकरण बटुक के नाम से किया था और ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं। तो भैरव जी का अब प्राचीनतम इतिहास महर्षि दधीची, जो हजारों साल का इतिहास है दधीची का, और बड़े तपस्वी और दिव्य ऋषि हुए, जिनका पूरे देश में कई अलग अलग राज्यों में प्राचीनतम इतिहास महर्षि दधीची के मिलते हैं। तो इस प्रकार से आज बाबा भैरव जी का श्रृंगार बटुक भैरव जी का बाबा भूतनाथ जी को किया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से अश्वनी भारद्वाज की रिपोर्ट।